314 फैसले लिए थे हमने उस रोज। अगर उसमें से एक भी फैसला गलत हो जाता तो आज हम यहां मौजूद नहीं होते। लेकिन फिर भी गलती तो सिर्फ पायलट की है। तो फाइनली दोस्तों, आज बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन के कैरियर की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म रनवे 34 को इंडियन ऑडियंस के लिए रिलीज कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले इस फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जा चुकी है, जहां से इस फिल्म को आउटस्टैंडिंग रिव्यूज मिल चुके हैं। और इस स्क्रीनिंग में दोस्तों आपका दोस्त यानी कि मैं भी था। तो आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं दोस्तों रनवे 34 का, और जानने वाले हैं दोस्तों कि कैसी है यह फिल्म और बॉक्स ऑफिस पर आज अपने पहले दिन क्या कमाल कर रही है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आप भी सुपरस्टार अजय देवगन सर के डाहट फैंस से अमिताभ बच्चन की फिल्मों को देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहां पर बात कर जाए इस फिल्म की स्टार कास्ट, इस फिल्म के बजट और इस फिल्म के रिव्यूज के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि इस फिल्म के लीड में आपको बॉलीवुड के मास महाराजा अजय देवगन सर के अलावा बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन सर, बोमन ईरानी और रकुलप्रीत सिंह भी नजर आने वाली है। दोस्तों बताते चले आपको कि इस एविएशन थ्रिलर फिल्म को इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 80-90 करोड़ रुपए के बजट के साथ तैयार किया गया है, जिससे कि आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2000 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। और अगर बात की जाए दोस्तों यहां पर इस फिल्म के रिव्यूज की, तो दोस्तों बताते चले आपको कि इस 2 घंटे 28 मिनट की फिल्म को सुपरली शॉट और एडिट किया गया है। अजय देवगन सर ने इस फिल्म का डायरेक्शन किया है। उनकी डायरेक्शन में एक खासियत तो यह है दोस्तों कि उन्होंने इस नए एविएशन थ्रिलर फिल्म को ऑडियंस के सामने बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया है। बताते चले दोस्तों आपको कि इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अमिताभ बच्चन सर और बोमन ईरानी की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी धमाकेदार है। अजय देवगन सर का स्वैग, उनकी स्टाइल और उनकी डायलॉग डिलीवरी हमेशा की तरह दोस्तों एक बार फिर से इस फिल्म में आपका दिल जीत लेती है। अमिताभ बच्चन सर जो कि बॉलीवुड के महानायक कहे जाते हैं, उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस किया है। साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म में बोमन ईरानी सर का भी जो काम है वो काफी बेहतरीन और सराहनीय है। लेकिन दोस्तों जब अजय देवगन और अमिताभ बच्चन सर जैसे लेजेंडरी एक्टर्स एक ही फ्रेम में एक साथ नजर आते हैं तो ऑडियंस की आंखें खुली की खुली रह जाती है। लेकिन दोस्तों इन सभी के अलावा इस फिल्म में सबसे ज्यादा ऑडियंस को जो सरप्राइज करने वाली है वो है रकुलप्रीत सिंह, जिन्होंने अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के साथ इस फिल्म में अपने कैरेक्टर को जस्टिस दिया है। और को पायलट के कैरेक्टर के साथ साथ दोस्तों वो इमोशंस के साथ भी खेलती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि रकुलप्रीत सिंह का जो कैरेक्टर है वो इस फिल्म में भले ही थोड़ा सा हो, लेकिन दोस्तों उन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ जिस तरह से इस फिल्म में काम किया है वो आउटस्टैंडिंग है। और उन्होंने दिखा दिया है दोस्तों कि वो खूबसूरत होने के साथ साथ एक बेहतरीन और टैलेंटेड एक्ट्रेस भी है। दोस्तों बताते चले आपको कि रकुलप्रीत सिंह का कैरेक्टर इस फिल्म में थोड़ा और होता तो दोस्तों ऑडियंस को उन्हें देखने में और भी मजा आता। हालांकि दोस्तों इन दो बड़े सुपरस्टार्स के सामने रकुलप्रीत सिंह का जो कैरेक्टर है वो काफी अच्छा है और वो खुद को साबित करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों बताते चले आपको कि रकुल इससे पहले कई सारी बॉलीवुड फिल्में कर चुकी है, लेकिन दोस्तों आज के टाइम में हम जहां साउथ की एक्ट्रेसेस यानी कि सामंथा और रश्मिका जैसी हीरोइंस को पैन इंडिया एक्ट्रेस कहने लगे हैं, तो वहीं दोस्तों रकुलप्रीत सिंह इन सभी से पहले बॉलीवुड और साउथ दोनों ही जगहों पर काम कर चुकी है और ऑडियंस का दिल जीत चुकी है। दोस्तों बताते चले आपको कि रनवे 34 एक बेहतरीन फिल्म है जो कि इंडियन ऑडियंस को बड़ी स्क्रीन पर देखना चाहिए। हाँ दोस्तों, फिल्म में कुछ लूपहोल्स भी है, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी रनवे 34 एक बड़ी स्क्रीन पर देखने के लिए बेहतरीन फिल्म है। अगर बात की जाए दोस्तों इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस की, तो 2000 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली अजय देवगन सर की इस फिल्म को आज ऑडियंस की तरफ से मॉर्निंग में तो काफी अच्छी ऑक्युपेंसी देखने को मिल रही है। एडवांस दोस्तों इस फिल्म की आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 2,80,00,000 रुपए की हो चुकी थी, जो कि एक तरह से अजय देवगन की फिल्म के लिए काफी कम ओपनिंग है। लेकिन दोस्तों इस फिल्म के सामने हीरोपंती 2 और केजीएफ जैसी दो बड़ी फिल्में भी रिलीज हो चुकी है। उसके बावजूद भी दोस्तों रनवे 34 को आज ऑडियंस की तरफ से अपने मॉर्निंग में ही 20-22% की ऑक्युपेंसी हासिल हुई, जो कि एक तरह से काफी अच्छी ऑक्युपेंसी है। आफ्टरनून में भी दोस्तों इस फिल्म के जो शो है वो काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। यही वजह है दोस्तों कि रनवे 34 आज इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले दिन जहां 7-8 करोड़ रुपए की ओपनिंग लेने जा रही है, तो वहीं दोस्तों जिस तरह के आउटस्टैंडिंग रिव्यूज इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिल रहे हैं, यह फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सभी को सरप्राइज करने वाली है और बॉक्स ऑफिस पर इस साल की बेस्ट परफॉर्मर भी बनने वाली है। इस फिल्म का दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले ही दिन का कलेक्शन लगभग 13 करोड़ रुपए का आ रहा है। आपको दोस्तों यह फिल्म कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और बॉक्स ऑफिस बॉलीवुड और साउथ से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट्स